यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, मैं हूँ अवंतिका यादव और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि इनालो और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन होने की संभावना है। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, ये बड़ी खबर इस वक्त चंडीगढ़ से, जहां पर आपको बता दें कि इनालो और बहुजन समाज पार्टी के बीच में गठबंधन हुआ है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त मिल पा रही है चंडीगढ़ से। इनालो नेता अभय सिंह चौटाला आज इसका ऐलान भी कर सकते हैं। अभी तक सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल पा रही है कि दोनों पार्टियों के बीच में गठबंधन हो गया है। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन का ऐलान हो सकता है। और इसके साथ ही आपको बता दें, ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से इस वक्त, जहां पर इनालो और बहुजन समाज पार्टी के बीच में गठबंधन हुआ है। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल पा रही है और साथ ही इसकी घोषणा भी की जा सकती है। इसका ऐलान भी आज इनालो नेता अभय सिंह चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर सकते हैं। आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें इस गठबंधन का ऐलान हो सकता है। और साथ ही अब चूंकि चुनाव पास में आ चुके हैं, 2019 में विधानसभा चुनाव होने हैं प्रदेश के, और ऐसे में अब इनालो और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल पा रही है, दोनों पार्टियां साथ में मिलकर अब चुनाव लड़ेंगी प्रदेश का। आज दोपहर 3 बजे इसका ऐलान खुद अभय चौटाला कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें इस गठबंधन का ऐलान हो सकता है। अभय सिंह चौटाला इसका ऐलान कर सकते हैं। तो चंडीगढ़ से सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त आपको कि इनालो और बहुजन समाज पार्टी के बीच में गठबंधन हुआ है। सूत्रों के हवाले से यह खबर इस वक्त मिल पा रही है। इनालो नेता अभय सिंह चौटाला आज इसका ऐलान कर सकते हैं और दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस गठबंधन का ऐलान हो सकता है। दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें इस गठबंधन का ऐलान हो सकता है। इनालो और बहुजन समाज पार्टी के बीच में हुए गठबंधन का ऐलान दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हो सकता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार रमेश लाइव जुड़ गए हैं। कुमार रमेश, अभी सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रही है इनालो और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन की, कितनी पुख्ता ये खबर है अभी? देखिए, बिल्कुल राजनीतिक जो फेरबदल है वो बिल्कुल अब शुरू हो गया, क्योंकि राजनीति पर जो चुनाव आ रहे हैं, पर लोकसभा चुनाव, उसके बाद राज्यसभा चुनाव, उसके बाद सॉरी विधानसभा चुनाव है। लेकिन जो पार्टियां हैं क्षेत्र दलीय, वो अपने हिसाब से अपने जो है समीकरण बनाने में लगी हुई हैं। इसी में एक बड़ी खबर है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन लगभग तय हो गया है। और आज 3 बजे करीब जो इंडियन नेशनल लोकदल के नेता है अभय सिंह चौटाला, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज की औपचारिक ऐलान करेंगे। जो सूत्र बताते हैं कि लगभग सीटों को लेकर भी बातचीत हो चुकी है और काफी हद तक जो बातचीत पूरी हो चुकी है और केवल ऐलान से ही बाकी है। और आज ऐलान हो रहा है कि बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल दोनों मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और जाहिर तौर पर क्योंकि विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जो दलित वोट बैंक है उसको इंडियन नेशनल लोकदल अपने साथ लेकर के आगे सरकार का सपना देख रही है। फिलहाल इसका 3 बजे करीब औपचारिक ऐलान होना है, जब इंडियन नेशनल लोकदल के नेता जो अभय सिंह चौटाला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरी जानकारी देंगे। जी कुमार रमेश, लेकिन अगर इनालो और बहुजन समाज पार्टी साथ में आते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी मुश्किलें ये खड़ी कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल सवाल बिल्कुल सही है कि कांग्रेस के लिए और जहां तक रही बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली बात, तो कांग्रेस ने तो हमेशा से कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है दलित विरोधी रही है और इसीलिए उन्होंने पीछे समय में काफी कुछ प्रदर्शन भी किए और ये भी जताया कि सरकार की जो मंशा है वो दलितों को साथ लेकर के ना चलने की, इसीलिए SC ST एक्ट में कहीं ना कहीं बदलाव भी किया गया। और इन्हीं चीजों को लेकर के माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा दलित नेतृत्व में कमजोर है और इसीलिए बाकायदा जो वाल्मीकि दिवस के कार्यक्रम है और भी जो कार्यक्रम है रविदास के, वो भी सरकार ने अपनी सरकारी तंत्र पर मनाने की योजना भी बनाई थी, लेकिन उसका बहुत ज्यादा लाभ नहीं हो पाया। कांग्रेस को लगता है कि अगर उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी दलित समाज से हैं और भी जो उनके बाकी लोग हैं वो भी दलित समाज से हैं, तो उनको लगता है कि
उनके पास दलित वोट बैंक है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन होने जा रहा है और जो अभी औपचारिक ऐलान होना है उसका, अगर ये हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो वोट डाइवर्ट है वो जरूर इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ होगा, इस प्रकार की संभावनाएं लगाई जा रही है। लेकिन कुमार रमेश, अगर हम देखें जो पहले भी चुनाव हुए हैं इससे पहले हरियाणा प्रदेश में, हालांकि बहुजन समाज पार्टी के साथ में दलितों का समर्थन जरूर रहता है, लेकिन सीटों की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा सीटें जो है बहुजन समाज पार्टी नहीं झटक पाती है हरियाणा में। अगर 2014 के चुनाव की बात करें तो एक सीट महज बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई। देखिए अवंतिका, भले ही पिछले जो चुनाव में और उससे पहले के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की एक ही सीट आई हो, क्योंकि पूर्व के समय में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अक्रम खान जीते थे और वो विधायक बने थे, उसके बाद उनको सरकार ने डिप्टी स्पीकर बना दिया। इस बार जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की तो उसमें भी बहुजन समाज पार्टी की एक ही सीट आई है, लेकिन इन सब चीजों को देखते हुए भी उनको लगता है कि इंडियन नेशनल लोकदल को लगता है कि अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ करार हो तो कहीं ना कहीं जो वोटों का पोलराइजेशन है वो दलित समाज का वो उनके साथ होगा। हाँ, ये कितना कामयाब होगा ये तो देखिए एक रिसर्च की बात है, आगे आने वाले समय तय करेगा, लेकिन फिलहाल की स्थितियां जो यही जरूर है कि उनको लगता है कि अगर दलित समाज का वोट बैंक इंडियन नेशनल लोकदल को मिले तो उनकी सरकार बनना लगभग, क्योंकि आज भी वो विपक्ष में बैठे हुए नेता है और कांग्रेस के जो है मुकाबले इंडियन नेशनल लोकदल की सीटें भी ज्यादा है, तो उनको लगता है कि अगर हम इस प्रकार से चीजें बनाते हैं तो हमें आने वाले समय में फायदा मिलेगा। जी कुमार रमेश, इसके साथ ही सीटों को लेकर किस तरह से यहां समझौता जो है वो दोनों पार्टियों के बीच में हो सकता है? देखिए सीटों का खुलासा इंडियन नेशनल लोकदल के जो नेता है अभय सिंह चौटाला करेंगे, लेकिन ये माना जा रहा है कि काफी सीटें उनको जरूर देनी पड़ेंगी और जहां जहां पर दलित समुदाय का वर्चस्व है वहां वहां पर उनको सीटें देनी पड़ेंगी, और ये माना जा रहा है कि सीटों को लेकर के लगभग समझौता तो हो चुका है, इसका एक औपचारिक ऐलान होना है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इंडियन नेशनल लोकदल के जो नेता अभय सिंह चौटाला जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो बताते हैं कि किन किन चीजों पर समझौता हुआ है और कितनी सीटें वो बहुजन समाज पार्टी को देंगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का और इंडियन नेशनल लोकदल का जो करार हुआ है उससे कहीं ना कहीं जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं उनको सोचना जरूर पड़ेगा कि आखिर दलित वोट बैंक को वो कैसे अपने पास ट्रांसफर करें, क्या नई रणनीति तैयार करें ताकि जो है बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं दलितों का वोट बैंक कांग्रेस के खाते में ट्रांसफर हो। सरकार को भी सोचना पड़ेगा, कुछ ऐसी नई योजनाएं लानी पड़ेंगी ताकि दलितों का वोट बैंक उनके खाते में ट्रांसफर हो सके।